ये मेरा ललित का पेड़ है। आप सबको पता है कि मैं बरसात की फसल ले रहा हूँ। अब आप इस पर देखिए, जो फ्रूट्स हैं वो सभी लगभग इस पौधे पर 98% बन चुके हैं। देखिए ये सब अमरूद हैं और कितने अच्छे हैं, स्वस्थ हैं। पूरे पौधे पर देखिए, लेकिन कुछ पौधों पर अभी भी फूल हैं और अमरूद बन रहे हैं। आइए मैं आपको वो भी दिखा देता हूँ। ये मेरा धवल का पेड़ है, अभी भी देखिए इस पर कुछ फ्लावर हैं और अमरूद बनने की अवस्था में है। ये लगभग 5% से ज़्यादा इस टाइम फ्लावर नहीं है अधिकतर पौधों पर। किसान साथियों, जब मैं बरसात की फसल ले रहा हूँ, आजकल मुझे बहुत सवाल आ रहे हैं उन किसानों के जो बरसात की फसल ले रहे हैं और उस पर सर्दियों की भी फसल लेना चाहते हैं। मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये बरसात की फसल, जिसे हम अंबिया बहार या अंबे बहार भी कहते हैं, ये सबसे अधिक आती है और इस बार तो परिस्थिति भी बिल्कुल अनुकूल थी, भरपूर फसल आई है। अब हम क्या इस पर जो मृग बहार है, जो सर्दियों के अमरूद हैं, वो भी ले सकते हैं? जी हाँ, ले सकते हैं। आज मैं उसके बारे में बताऊँगा कि किस प्रकार लेंगे और किस प्रकार उसकी देख रेख करनी है और किन चीज़ों का आपको स्प्रे करना है। कल मैं इन पर अंतिम स्प्रे कराऊंगा, जो कि 0-52-34 का होगा, NPK 0-52-34, 5 ग्राम प्रति लीटर, 1 ग्राम बोरोन डलवाऊंगा और 1 इंसेक्टिसाइड डलवाऊंगा कोई भी, ताकि मुझे फल मक्खी और किसी भी कीट से बचाव हो सके। और 1 प्रोपिकोनाजोल अवश्य डालना है आपको, कि प्रोपिकोनाजोल इस समय जो अमरूद छोटे छोटे बन रहे हैं उन पर आगे जाकर वो उसे एंथ्राक्रोनोज की प्रॉब्लम नहीं होगी। इन सब को मिलाकर प्रोपिकोनाजोल 1 ml/L लेना है, बोरोन आपको पता है 1 ग्राम प्रति लीटर लेनी है, और जिंक भी डाल सकते हैं, और आपको NPK 0-52-34 5 ग्राम प्रति लीटर लेना है और अपने पौधे पर लास्ट स्प्रे कर देना है। अब इसके बाद क्या करना है, वो सब परिस्थितियाँ थोड़ी सी अलग अलग हैं। आप मेरी ये शाखा देखिए ध्यान से, पहली पत्ती इसमें यहाँ थी, ये वाली थी, ये पहली पत्ती थी, ये वाली यहाँ पर, ये निशान है ना, ये देखिए इस तरफ है ये पत्ती, तो इसका ये भाग टूट गया। दूसरी पत्ती, और मैं बताता हूँ तीसरी और चौथी पत्ती पर सबसे अधिक फ्लावर आते हैं, तो ये दूसरी पत्ती का जोड़ा था, जब मैं पत्ती कहता हूँ तो वो जोड़ा होता है ये, और तीसरी पर था, चौथी पर नहीं आया, बहुत कम आता है। मैं दिखाता हूँ, ये वाली देखिए, दूसरी पर आया है, तीसरी पर आया, चौथी पर भी आया है। इस वाली पर देखिए, यहाँ पर दूसरी पर आया, तीसरी पर आया, चौथी पर भी आया। धवल बहुत बढ़िया अमरूद है, ये एक तरह से L59 की इम्प्रूव्ड वैरायटी है। अब हम इन पर किस प्रकार फसल लेंगे सर्दियों की? किसान साथियों, मेरे यहाँ का वातावरण और जो ये गर्मी पड़ रही है, जहाँ पर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र का इलाका है, वो थोड़ा सा अलग है, बहुत गर्मी है। आपको अपने जो ये फल हैं इनको गर्मी से बचाना है, सनबर्न से बचाना है और अगली फसल भी लेंगे। जब हम अगली फसल लेंगे तो ये देखिए, ये जो टहनी है हमारी, इस पर इस पौधे पर दो प्रकार की टहनियाँ मिलेंगी आपको। एक ये टहनी मिलेगी जिस पर फल आए हुए हैं, तो ये 5वां जोड़ा है, ये 6ठा है, 7वां है, 8वां है, 9वां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है, 13वां। तो यानी कि 5 के बाद में आपको अगर करना है तो कम से कम 1, 2, 3, 4 जोड़े छोड़ दीजिए, और इसे 4थे और 5वें जोड़े के बीच में से यहाँ से कट कर दीजिए, इसको इस प्रकार से यहाँ से कट कर दीजिए। जब आप यहाँ से कट करेंगे तो ये इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ रुक जाएगी और पौधा समझ जाएगा कि मुझे अब कहाँ से नई शाखाएं निकलनी है। अमरूद में हमेशा नई शाखा पर निकलता है, अब इसमें नहीं निकलेगा, अगर निकलेगा भी तो बहुत आगे जाकर निकलेगा और वो बहुत कम अमरूद होगा। हमें इसकी वेजिटेटिव ग्रोथ, जो वानस्पतिक वृद्धि है, उसको रोकना है और नए कल्ले सर्जित करने हैं, उन कल्लों पर फिर फूल आएंगे। जैसे आप थोड़ा समझ लीजिए कि अगर मैं इसे यहाँ से काट दूंगा तो यहाँ से नए कल्ले निकलेंगे, ये 1, 2, 3, 4 और 5, 5 जगह से हमें कल्ले निकलेंगे, और 5 में से अगर हमें 2 जगह से भी मिल गए फूल तो हमें 1 जगह से कम 5 से 6 अमरूद मिलेंगे। एक बात का ध्यान रखना है कि इस टाइम आपको
यहाँ पर इसके पेड़ के चारों तरफ जो हम गोबर का खाद लगाते हैं वो पहले ही लगा हुआ होना चाहिए। इस टाइम आपको जड़ों को डिस्टर्ब बिल्कुल नहीं करना है, जो लोग बरसात और सर्दियों की दोनों फसल ले रहे हैं। जब हम यहाँ से इसे कट करेंगे तो हमें दो चीज़ों का ध्यान रखना है, हमें थोड़ी पौधे के अंदर वनस्पतिक वृद्धि भी लानी है ताकि वहाँ से नए कल्ले जल्दी निकलें। जिस समय वो कल्ले निकलने शुरू होंगे उन कल्लों को थोड़ा सा उन्हें रेगुलेट करना है, रेगुलेट करना है कि वो ऐसा ना हो कि निकलते ही और बढ़ना शुरू हो जाए बहुत तेज़ी से। जैसे ही वो बढ़ना शुरू होंगे उनको रोकना है और उन्हें कहना है कि भाई आप अगर कोई फूल देना चाहते हो या कलियां देना चाहते हो तो वो हमें दीजिए। ये किस प्रकार करेंगे मैं आपको बताता हूँ। पहला नियम, ये डंडी कम से कम आपकी, आप देखिए 1.5 फीट से ज़्यादा हो जानी चाहिए। ऐसा ना हो कि यहाँ तक फूल हैं और इसमें दो ही पत्ते निकले हैं, फिर नहीं होगा। दूसरी, इस पौधे पर और बहुत से पौधों पर कुछ ऐसी भी शाखाएं होंगी जिन पर कोई भी फ्लावर नहीं आया है। देखिए इस पर कोई भी फ्लावर नहीं आया है, ये टहनी है और कुछ इसी प्रकार की टहनियाँ आपको मिल जाएंगी, इधर भी ये टहनी है, इन पर कोई फ्लावर नहीं आया। इन टहनियों को आप हाफ हाफ काट सकते हैं, क्योंकि इसमें कोई भी फ्लावर नहीं आया है इसलिए इसको थोड़ा नीचे से काट दीजिए, 4 पत्ती रख कर ही आप इसको काट सकते हैं। जैसे ये देखिए, ये मेरी ललित की है, बहुत फ्लावर आता है लेकिन ये दोनों टहनियाँ देखिए ये कितनी बड़ी हो गई लेकिन इन पर कोई भी फ्लावर नहीं आया, क्योंकि इन्होंने वेजिटेटिव ग्रोथ ले ली। ये देखिए इसने वेजिटेटिव ग्रोथ ले, तो इसको मैं हाफ से ट्रिम करूँगा। यहाँ से आप ये देखिए, अगर इसको ध्यान से देखेंगे तो ये यहाँ तक पक चुकी है टहनी, 1, 2, 3, 4 कलम पक चुके हैं। तो इसके बाद इसे यहाँ से यानी 5वें और 6वें पत्ते के बीच से काट दीजिए। अब काटने के बाद क्या होगा, मैंने अभी तक इनमें कोई भी केमिकल फर्टिलाइज़र नहीं लगाया। पहला काम ये करूँगा मैं कि इसमें केमिकल फर्टिलाइज़र लगाऊँगा जो भी मुझे देना है। यहाँ पर मैंने खाद लगाया था और हल्की हल्की गुड़ाई कर मैं उसे डाल दूंगा और उसे मिलवा कर और इसमें पानी दे दूंगा। अब मैंने ये कटिंग कर ली, इसके बाद मुझे क्या करना है, इस पर एक स्प्रे करना है। आपको स्प्रे क्या करना है कि कटिंग से कहीं नुकसान ना हो, पता नहीं मौसम कैसा है, थोड़ी सी भी मॉइस्चर हो जाए तो फंगस भी आ सकती है। तो आप उसमें एक NPK 19-19-19 5 ग्राम प्रति लीटर और उसमें एक फंगीसाइड मिला लीजिए। वो फंगीसाइड क्या होगा कि जिसमें कार्बनडीज और मैनकोजब दोनों का मिश्रण हो, जैसे इफ्को का कासुगा के नाम से आता है। इफ्को का प्रोडक्ट ये बहुत बढ़िया, मैं बहुत यूज करता हूँ। और दूसरा UPL का साफ के नाम से आता है, दोनों में से कोई भी ले लीजिए 2 ग्राम प्रति लीटर और कटिंग के बाद में उस पर स्प्रे कर दीजिए। ये क्या करेगा कि जो 19-19 है ये उसमें वेजिटेटिव ग्रोथ की तरफ करेगा और आपके कल्ले जल्दी निकलने शुरू होंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है, जैसे ही ये कल्ले निकलेंगे और उनमें इस तरह की ये पत्ती आएगी, ये वाली पत्ती आएगी, सिर्फ इतनी पत्ती आएगी, उस पत्ती पर आपको उस टाइम एक स्प्रे करना है। जैसे ही ये एक पत्ती निकलेगी इसका मतलब वेजिटेटिव ग्रोथ शुरू हो गई। अब अगर हम जो इसे हमने नाइट्रोजन फॉस्फोरस पोटास दिया हुआ है और नीचे केमिकल फर्टिलाइजर भी दे दिया तो बहुत तेज़ी से भागेगा, तो इसको हमें रेगुलेट करना है। तो इसमें हमें क्या करना है, NPK 12:61:0 5 ग्राम प्रति लीटर। याद कर लीजिए, जो भी मैं NPK का घुलनशील ये छिड़काव करने वाले फर्टिलाइजर बताता हूँ वो 5 ग्राम प्रति लीटर होते हैं। उसमें मिलाइए आप बोरोन 1 ग्राम प्रति लीटर, बोरोन बहुत आवश्यक है और अगर टेम्परेचर अधिक है तो ये थोड़ा सा आपकी पत्तियों पर पौधे को ठंडा भी रखता है। और एक उसमें मिलाइए एक फुलविक एसिड, अमीनो एसिड के उस कंटेंट से आता है, इसाबियन आता है, इसाबियन 1 ml/L। इन तीनों को मिलाकर पौधे पर स्प्रे कर दीजिए। तो इसका क्या असर होगा कि ये धीरे धीरे बढ़ेगा और जैसे ही तीसरी पत्ती इसकी आएगी उस पर आपकी फ्लावरिंग आनी शुरू हो जाएगी। जब ये स्प्रे करेंगे इसके 10 से 12 दिन बाद या 10 दिन बाद ही आप इस पर एक स्प्रे करिए ग्रोथ रेगुलेटर का। वो ग्रोथ रेगुलेटर क्या है,
जैसे BSF का लिहोसिन आता है, वो लीजिए 2 ml पर लीटर और उसको स्प्रे कर दीजिए। ये वेजिटेटिव ग्रोथ को हल्का करेगा और आपको फूल इंड्यूस करने में आपकी पूरी सहायता देगा। इस प्रकार आपको फ्लावर मिलेंगे। ध्यान रखिए 50% फसल आप ले चुके हैं और ये जो फसल मरग बाहर की आती है 30 से 35% आती है, तो आप इसे 25 से 30% मानकर चलिए और जो बची खुची है वो आपकी हस्त बाहर में आती है। तो ये 3 फसल होती हैं, तो आपको वही 50% ले चुके 30% ये मिल जाएगी, 80% में 70 हो गया या 80 हो गई इतनी फसल में। बाद में आपको पानी देते रहना है। बहुत से लोग मुझे कहते हैं कि भाई पानी कितना दें। पानी आपको नमी बनाकर रखनी है और ध्यान रखिए जितनी भी दूर आप जो है ना इसमें ये पानी देते रहेंगे, पानी दूर होना चाहिए, तने के पास ना लगे तो बहुत अच्छा होगा। अपने बाग में सफाई रखिए, जड़ के पास ज़्यादा घास नहीं होना चाहिए। और अब चूंकि फल बड़े हो गए हैं तो फल मक्खी का ट्रैप अवश्य लगाएं कि थोड़े दिनों में फल मक्खी भी आनी शुरू होगी जैसे बरसात शुरू होगी। और ज़मीन को साफ रखकर अगर हो सकता है जो भी आप कीटनाशक यूज करते हो, जैविक करते हो या कोई भी करते हो, वो ज़मीन पर अवश्य छिड़किए ताकि कोई कीट वगैरह इधर हो तो वो न हो सके। किसान साथियों, ये थी, मेरे को आजकल बहुत फ़ोन आते थे और ये थी मेरी प्रस्तुति कि आप अमरूद में 2 फसल किस प्रकार लेंगे और दूसरी फसल लेने के लिए क्या कार्य करने हैं, मैंने सब बता दिया। कुछ किसान भाई मुझे फ़ोन करते हैं, मैसेज डालते हैं और मुझे पता लग जाता है कि इन्होंने वीडियो पूरी नहीं देखी है और वो मुझसे चाहते हैं। आप वीडियो को देखना है तो पूरी देखिए, इसके बारे में सभी चीज़ें मैंने बता दी हैं। उसके बाद जब फ्लावर आएंगे इसमें जो कलियां निकल जाएंगी फिर मैं बताऊंगा कि आपको क्या करना है। एक बात और, जो भाई घर में जिन्होंने 2-3-1 पौधे लगा रखे उनके मेरे पास बहुत मैसेज आते हैं, फ़ोन आते हैं, मेरे पास इतना समय नहीं है। कहते हैं हमारे जो ये फल हैं ये बन जाते हैं और गिर जाते हैं। आप देखिए मेरे यहाँ कोई भी, आप नीचे देखिए कोई भी फल नहीं गिरा है। उसका कारण है कि केवल घर पर गोबर की खाद देने से फल नहीं बनते, चाहे वो कोई भी फ्रूट ट्री हो। आपको उसमें माइक्रो न्यूट्रिएंट भी देने पड़ेंगे उसके लिए और आपको उसमें थोड़े से फर्टिलाइज़र भी देने पड़ेंगे, क्योंकि अकेले गोबर की खाद से आपके जो मुख्य तत्व होते हैं नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटास, उनकी पूर्ति नहीं होती है। तो वो करिए। और दूसरा, जो पानी है वो तने से दूर दीजिए, इतने बड़े पौधे में कम से कम 2 फुट दूर देना है। और खाद यहाँ पर लगाना है, यहाँ पर जो जड़ें आई हुई है इसके कैनोपी के पास में लगाना है। अगर इन बातों का ध्यान रखेंगे तो आपके पौधे स्वस्थ होंगे। इसी के साथ मैं विदा लेता हूँ। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, वंदे भारत।